आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। और दोस्तों मेरा नाम है विनय कंबोज। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम के लिए सर्च कीजिए कार क्वेस्ट 1 और फेसबुक के लिए सर्च कीजिए कार क्वेस्ट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है इस MG ZS EV 2022 के बारे में, क्योंकि अब ये इसका फेसलिफ्ट वर्जन है और यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उनकी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले वेरिएंट से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी करंटली आपको इसके अंदर सिंगल वेरिएंट का ऑप्शन मिल रहा है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये टॉप वेरिएंट है। पहले आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, मे बी फ्यूचर में इसके अंदर भी आपको दो वेरिएंट्स का ऑप्शन मिले। और जो कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, टोटल यहाँ पे 4 कलर ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये जो कलर आप देख रहे हैं सिल्वर, एक आपको वाइट मिल जाएगा, ब्लैक और रेड। तो टोटल ये 4 कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप इनके अंदर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार के फ्रंट लुक की। जो इसके फ्रंट लुक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं पहले के कंपैरेटिवली, क्योंकि ये जो ग्रिल है इसको चेंज कर दिया और इसको कंप्लीट यहां पे बिल्कुल क्लोज रखा गया है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है तो कोई एयर इनटेक का या एयर सर्कुलेशन की कोई ऐसा जरूरत यहां पे नहीं है। यहां पे आपको मिल जाएगा MG का लोगो और अगेन इसके सराउंडिंग आपको यहां पे क्रोम वर्क दिया गया है। फिट एंड फिनिश काफी अच्छी है और यहां पे आपको मिल जाएगा फ्रंट कैमरा, क्योंकि इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा व्यू मिलता है। तो आपको फ्रंट में और दोनों ORVMs और रियर में भी आपको कैमरा मिल जाएगा। अभी जैसे गाड़ी लॉक है तो ये ओपन नहीं हो रहा है और मैं अनलॉक करता हूँ, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकेंगे। और यहाँ पे आपको एक मिल जाता है बेसिकली रेगुलर चार्जर के लिए, और जब आप फास्ट चार्जर का यूज़ करेंगे DC का तो ये भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये इंडिकेशन आपको शो करेगा कि गाड़ी कितनी चार्ज हो रही है, तो वो इंडिकेशन भी आपको ये यहाँ पे शो करेगा। ये CCS2 चार्जिंग टाइप आपको यहाँ पे मिल रहा है। और जब हेडलैम्प यूनिट को आप देखते हैं तो यहाँ पे अभी जैसे ये आपको जो कंप्लीट हेडलाइट का जो सेटअप मिलता है, ये LED हेडलाइट्स यहाँ पे दी गई हैं। ऑटो हेडलैम्प्स आपको मिलने वाले हैं। लो बीम हाई बीम के लिए आपको ये LED बल्ब्स यहाँ पे रिफ्लेक्टर सिंगल मिलने वाला है। ये LED DRLs यहाँ पे मिल जाएंगे और इंडिकेटर्स भी आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ये इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और जब नीचे की तरफ आप इस बम्पर को देखते हैं तो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन आपको मिलने वाला है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश का यूज़ किया गया है और साथ में ग्लोसी ब्लैक फिनिश भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इसका जो लोअर पार्ट है इसको मैट ब्लैक फिनिश यहाँ पे दी गई है। ये जो स्पेस है इसको थोड़ा ओपन रखा गया है बेसिकली एयर इनटेक के लिए, क्योंकि AC जो है उसका कंप्रेशर वगैरह वो सब आपको यहाँ पे मिलता है। और एक यहाँ पे ये आपको रडार सिस्टम भी यहाँ पे मिलने वाला है। एंड देन जब इस गाड़ी के इस इंजन हुड को आप देखते हैं तो ये जो कर्व्स यहाँ पे दी गई हैं ये गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे बना देती है। तो ये थे फ्रंट लुक्स। अब चलते हैं कार के साइड में और एक बार चेक कर लेते हैं कार को साइड से। सो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो ZS EV है एक अबव 4 मीटर इलेक्ट्रिक SUV कार है और ये प्योर इलेक्ट्रिक आपको मिलने वाली है। उसी के अकॉर्डिंग इस कार की लेंथ भी रखी गई है 4323 mm। बात कर लेते हैं गाड़ी के टायर साइज़ की। तो जब टायर साइज़ आप यहाँ पे देखते हैं ये बेसिकली आपको ये एक व्हील कवर टाइप आपको मिल रहा है, जिसको आप हाइपर स्टाइल व्हील्स बोल सकते हैं। और इसके अंदर की तरफ अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। इसका जो साइज़ है ये 17 इंचेस रखा गया है और जो टायर प्रोफाइल है 215x55 आपको टायर प्रोफाइल मिल जाएगी। ऑल अराउंड आपको ये ब्लैक कलर की स्कर्टिंग्स इस कार को दी गई हैं। और इस फ्रंट फेंडर पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक की बैजिंग की गई है। ORVMs जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल ORVMs मिलेंगे। यहाँ पे आपको ये ब्लिंकर दे दिया गया है और नीचे की तरफ आपको कैमरा मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 360 डिग्री कैमरा आपको मिलता है। हैंडल्स जब आप देखते हैं तो यहाँ पे बॉडी कलर्ड और क्रोम का यूज़ किया गया है। अगेन इनकी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। एक्सेस बटन आपको ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों तरफ मिलने वाला है। और इस वेस्ट लाइन को जब आप देखते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट क्रोम का यूज़ किया गया है, जो वहाँ से स्टार्ट होकर रियर यहाँ तक जाती है। बी पिलर पे ब्लैक फिनिश आपको मिल रही है, जिसकी वजह से ये जो साइड प्रोफाइल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स दिए गए हैं सिल्वर फिनिश के साथ और ये फंक्शनल रूफ रेल्स है, आप इनका यूज़ करना चाहें तो इनको यूज़ भी कर सकते हैं। ORVM के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ORVMs जो हैं ये हिटेड ORVMs भी आपको मिल रहे हैं। और ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ये थे साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं कार के रियर में और एक बार चेक कर लेते हैं कार को रियर से। सो जब कार को रियर से आप देखते हैं, रियर लुक्स भी इसके काफ़ी अच्छे रखे गए हैं। बिल्कुल टॉप से स्टार्ट कर लेते हैं। टॉप पे आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ। और रियर में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर शील्ड पे वाइपर वॉशर डिफोगर, ये सब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस रियर सी पिलर को भी यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक फिनिश दी गई है, जिसकी वजह से ये जो रियर ग्लास है ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड लगता है। और जब टेल लाइट्स को आप देखते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल LEDs का यूज़ किया गया है।
हर जो आपको मिलेगा यहाँ पे LEDs आपको मिलने वाली है, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और साथ ही जब आप देखते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगी बैक लाइट, और इधर की तरफ इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग, यहाँ पे MG लोगो, और इधर की तरफ ZS EV की बैजिंग आपको मिलेगी। और जब इस रियर बम्पर को आप देखते हैं तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा आपको लगने वाला है। ये लोअर जो पार्ट है इसको मैट ब्लैक फिनिश दी गई है, और अपर पार्ट में ग्लॉसी और सिल्वर एसेंट्स का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और टोटल आपको यहाँ पे 3 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करेंगे, और ये आपको रियर कैमरा यहाँ पे मिलेगा। अगेन इसकी पोजीशनिंग थोड़ी इंप्रूव की जा सकती थी, ऑल दो फिर भी ये ठीक इसकी हाइट रखी गई है। और इस तरफ जब आप देखते हैं तो ये डिज़ाइन आपको मिलने वाला है, ये बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्टर है, और इसको कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ रखा गया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं बूट स्पेस, तो जस्ट आपको ये जो MG का लोगो है इसको इस तरह से प्रेस करना है, ये अंदर की तरफ चला जाएगा और बूट आप एक्सेस कर पाएंगे। बूट स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है, 359 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा। अभी करंटली यहाँ पे ये मैट रखा हुआ है, एज एसेसरीज आप इसको ले सकते हैं। और जब आप इसको ओपन करते हैं अंदर की तरफ जब आप देखते हैं तो ये 17 इंचज़ का अलॉय व्हील आपको मिलने वाला है। टायर प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, 215x55 कंप्लीट टूल किट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नाइट के यूजर्स के लिए आपको बूट लैंप भी यहाँ पे दे दिया गया है, और दोनों तरफ आपको ये कुछ स्पेस मिल जाएगा। अभी मैं आपको ये चार्जर भी दिखा देता हूँ, ये बेसिकली एक पोर्टेबल चार्जर है जिससे आप इस कार को चार्ज कर पाएंगे। ये इस तरह का पोर्टेबल चार्जर है, और कहीं भी आपको 15 एम्पियर का प्लग मिलता है तो जस्ट आपको ये 15 एम्पियर का प्लग में इसको प्लग इन करना है और आपकी गाड़ी चार्ज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात आती है कि ये टाइम कितना लेगी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर रहे हैं तो वो चार्ज होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग में कितना टाइम लगने वाला है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस पोर्टेबल चार्जर का यूज़ करते हैं तो इससे 0 to 100 होने में लगभग 18 से 19 घंटे का टाइम पीरियड आपको लग जाएगा। और साथ में एक आपको AC फास्ट चार्जर मिलेगा जो आपके घर पे इंस्टॉल हो जाएगा, जो MG इस कार के साथ में आपको देने वाली है। उससे 100% चार्ज करने के लिए आपको 8.5 से 9 घंटे वेट करना पड़ेगा। और एक आता है जो कमर्शियल चार्जर्स होते हैं, सुपर फास्ट DC चार्जर्स आप जिनको बोलते हैं, तो वो 0 to 80% करने में 60 मिनट्स का टाइम पीरियड लेंगे। सो इन सभी तरीके से आप अपनी कार को चार्ज कर पाएंगे। और इन तीनों के अलावा आपको एक पोर्टेबल चार्जिंग वैन भी मिलती है, जिसका आपको कुछ मेट्रो सिटीज़ के अंदर फैसिलिटी वो अवेलेबल है, अगर आप वहाँ पे यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अंदर ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट बटन को प्रेस कीजिए, कॉल सेंटर के अंदर कॉल जाएगी और वहाँ से आपको वो असिस्ट करेंगे। तो ये था रियर और बूट स्पेस। अब चलते हैं कार की रियर सीट पर और चेक कर लेते हैं रियर सीटिंग कम्फर्ट। सो जैसे ही रियर डोर आप ओपन करते हैं, जो डोर ट्रिम्स हैं वो आपको ऑल ब्लैक यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट दिया गया है। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये लेदर फील आपको दिया गया है, और ये रेड स्टिचेस का यूज़ किया गया है। बोतल होल्डर आपको मिलने वाला है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा। एक बार अंदर सीट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये लेदर फील सीट्स मिल जाएंगी, ब्लैक कलर की फिनिश के साथ है, और जो स्टिचेस है वो रेड कलर के साथ आपको दी गई है। तो जो इनकी क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी रखी गई है। अब एक बार अंदर का कम्फर्ट चेक कर लेते हैं। जो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट है वो हमारे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, कि अगर मेरी हाइट का बंदा सामने की तरफ बैठता है तो आपको ये कुछ स्पेस पीछे की तरफ मिलेगा। रिक्लाइन एंगल प्रॉपर है, यहाँ पे थाई स्पॉट प्रॉपर मिल रहा है, थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया जा सकता था, और लेग रूम काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गाड़ी का जो व्हील बेस आपको यहाँ पे मिलता है 2581 mm आपको व्हील बेस मिल रहा है। और हेडरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और तीनों ही एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग। सेंटर में एक आर्मरेस्ट आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर या कप वगैरह आप रखना चाहें छोटे, या वो आप यहाँ पे रख पाएंगे, और ये कवर्ड भी हो जाता है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। दो बंदों के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, 3 बंदे एडजस्ट होना चाहे हो सकते हैं। सेंट्रल पैसेंजर के कंफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए इसकी जो हाइट है ये बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे रखी गई है, तो 3 बंदे भी अच्छे से बैठ पाएंगे। और जब यहाँ पे देखते हैं रियर में, आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे रियर पैसेंजर के लिए। एक आपको मिलता है यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग पोर्ट और एक USB पोर्ट, तो ये काफ़ी अच्छा है। जैसे अभी हम USB का यूज़ कर रहे हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, जिनके पास सी टाइप है वो तो सी टाइप यूज़ कर पाएंगे। बैक में आपको यहाँ पे पॉकेट्स भी मिल जाती हैं, इनका भी यूज़ आप करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल जो कंफर्ट है रियर में वो काफ़ी अच्छा है, अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रैवल भी कर रहे हैं तो आपको ऐसा सच कुछ अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला है। अब एक बार की बात कर लेते हैं, तो इस तरह की आपको की मिलेगी, इधर की तरफ MG लोगो मिलता है, अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है। और इधर की तरफ जब आप देखते हैं लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक के आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं। ड्राइवर डोर को एक्सेस के लिए आपको एक्सेस बटन मिल जाएगा, लॉक अनलॉक यहाँ से आप करना चाहें कर सकते हैं। और जैसे ही ड्राइवर डोर ओपन करते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिलने वाला है
ऑल फोर पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। ये कंप्लीट ब्लैक और बीच में यहाँ पे सिल्वर एसेंट दिया गया है, ये आपको लेदर फील के साथ। और जो ड्राइवर विंडो है वन टच डाउन वन टच अप रहने वाली है। इधर की तरफ आपको मिल जाएगा एक बोतल होल्डर और ये काफ़ी अच्छा है। लॉक अनलॉक के लिए आपको जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। और जो मिरर्स की एडजस्टमेंट है वो आप यहाँ से कर पाएंगे, होल्ड भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी आप कर पाएंगे। साथ में लाइट की एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब एक बार ड्राइवर सीट देख लेते हैं। जो ड्राइवर सीट आपको मिल रही है यहाँ पे, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है। सिक्स वे आप इसको इलेक्ट्रिकल एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ से आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्लाइन एंगल आप एडजस्ट करना चाहें। और साथ ही जो स्टेयरिंग है ये आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। डी कट स्टेयरिंग दिया गया है, लेदर रैप्ड आपको ये मिलने वाला है और यहाँ पे भी रेड कलर की जो स्टिचेस है वो देखने को मिलेंगी। इधर की तरफ आपको मिल जाएंगे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स और इधर की तरफ जब देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सामने MID और वॉइस कमांड और कॉल सेंटर के लिए ये सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं सामने की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। सो जैसे ही इग्निशन ऑन करते हैं कुछ इस तरह का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। इस तरह से इसकी स्टार्टिंग होती है। सो अभी सामने की तरफ लिखा आ गया है यहाँ पे रेडी, तो इस तरह का कुछ आपको ये सामने की तरफ दिखाई देगा। व्हीकल इज रेडी पावर ऑफ बिफोर लिविंग, मतलब जो गाड़ी है अभी वो रेडी है। ये 7 inches का एक LCD स्क्रीन आपको मिलता है जिसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये शो करने वाला है कि अभी कितनी बैटरी इसके अंदर है। अभी इधर की तरफ जैसे दिखा रहा है ये 70% बैटरी है और यहाँ पे आपको ये कार्स के मोड भी दिखा रहा है। इधर की तरफ आपको पावर यूटिलाइजेशन ये शो करेगा, इधर की तरफ आपको स्पीड शो करेगा और सामने आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। सामने की तरफ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम ये दिखा रहा है, गुड कंडीशन नो फॉल्ट्स वो सब आपको सामने की तरफ ये शो करता है। अब बात कर लेते हैं कार के सेंट्रल कंसोल की। सो जब सेंट्रल कंसोल आप देखते हैं सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इस टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम पे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए आपको यहाँ पे मिलता है मोटर की पावर, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। सेंटर में फिर आपको मिलेगा एक 10.1 इंचेस का एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो ये सारे फीचर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको AC के जो कंट्रोल्स है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जस्ट आपको जैसे यहाँ पे क्लिक करना है, ये AC के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। अभी AC ऑन भी जैसे मैंने कर दिया है यहाँ पे, और तो ऑन ऑफ आप हर चीज़ यहाँ से करना चाहें तो कर पाएंगे। एंड देन जब इधर की तरफ आप देखते हैं तो ये रेडियो, एप्पल कारप्ले ये सारे फीचर्स, और यहाँ से आपको मोर का ऑप्शन, आप सभी सेटिंग्स वगैरह यहाँ से कर पाएंगे। और इधर की तरफ आपको एक कंप्लीट बैटरी शो कर रहा है, जैसे अभी ये 70% यहाँ पे बैटरी दिखा रहा है। टोटल आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये आपको मिल जाएंगे म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स। तो यहाँ पे होम, वॉल्यूम अप डाउन, ए फैन स्पीड ऑन ऑफ, इंक्रीज डिक्रीज और रियर डिफोगर, फ्रंट में लाइट और ये टेम्परेचर, हर ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। उसके बाद जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको ये मिल रहा है 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट और साथ में एक सी टाइप चार्जिंग और एक USB पोर्ट मिल रहा है, क्योंकि एप्पल कारप्ले जो आपको मिल रहा है वो वायर के थ्रू है, यहाँ पे वायरलेस नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये वायरलेस चार्जर मिल जाता है, तो आप यहाँ पे मोबाइल रखते हैं तो जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो कंसोल है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको कंप्लीट ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है और यहाँ पे आपको ये मिलते हैं क्रोम का यूज़ भी किया गया है। इधर की तरफ आपको मोड्स मिल रहे हैं, क्योंकि इस कार के अंदर आपको 3 मोड्स मिलते हैं, एक बेसिकली नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स, तो ये 3 मोड्स मिलते हैं। और ये कार्स का बटन है काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, जिससे जो आपकी बैटरी है वो काइनेटिक एनर्जी से चार्ज होती है। और यहाँ पे जैसे इसको प्रेस करते हैं तो सामने की तरफ आपको ये बैटरी की इन्फॉर्मेशन शो करने वाला है। फिर एक आपको ये नॉब मिल जाएगी जिसके अंदर रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और सेंटर से आप इसको प्रेस करते हैं तो पार्किंग के अंदर ये गाड़ी चली जाएगी। फिर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और साथ में मिल जाएगा ये ऑटो होल्ड का ऑप्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बोतल होल्डर्स या कप होल्डर आप बोल सकते हैं, वो आप यहाँ पे रख पाएंगे। और ये बूट डोर लॉक है, आप इसको यहाँ से स्लाइड करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है कंप्लीट देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसको जब ओपन करते हैं तो अंदर की तरफ आपको ये कुछ स्टोरेज मिल जाता है, आप कुछ यहाँ पे रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब बात करते हैं सामने की तरफ इस डैशबोर्ड की। तो जब डैशबोर्ड आप देखते हैं आपको ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये बेसिकली ब्लैक फिनिश है और ये सॉफ्ट टच मटेरियल आपको मिल रहा है। यहाँ पे सिल्वर एसेंस का यूज़ किया गया है और ये लेदर फील आपको मिलने वाला है। ये जो स्टिचेस हैं यहाँ पे रेड स्टिचेस दे दी गई हैं। और ग्लोबॉक्स जब आप चेक करते हैं
तो ये ग्लोव बॉक्स का स्पेस आपको मिलेगा। ये बेसिकली नॉर्मल ग्लोव बॉक्स यहाँ पे आपको दिया गया है। अब चेक कर लेते हैं वैनिटी मिरर्स। तो जब इस साइड को आप देखते हैं, को ड्राइवर और ड्राइवर साइड दोनों तरफ वैनिटी मिरर्स आपको मिलने वाले हैं, और यहाँ पे आपको मिलता है पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का इंडिकेशन शो करेगा। और एक जो मेरे को लगा कि इसका जो IRVM है ये ऑटो होना चाहिए था, ये मैनुअल आपको IRVM दिया गया है। तो ऑटो डिमिंग IRVM होता तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता था। उसके बाद ये काफ़ी कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, कुछ इन लाइट्स के कंट्रोल हैं और कुछ आपको मिलता है इस मेन, ये जो पैनोरमिक सनरूफ आपको मिल रही है। अभी जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये कम्प्लीट आपको सनरूफ यहाँ पे मिलने वाली है, जो ऑलमोस्ट 90 डिग्री जो है इस कम्प्लीट रूफ का जो है वो कवर कर लेती है। तो जो सनरूफ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। सो दोस्तों, ये थे इंटीरियर्स MG ZS EV के। तो अब बात करते हैं कार के सेफ्टी फीचर्स, पावर ट्रेन और प्राइस के बारे में। तो आइए चलते हैं। अब बात करते हैं ZS EV के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। सबसे पहले 6 एयरबैग्स आपको इस कार के अंदर मिल रहे हैं, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग्स, ये सारे एयरबैग्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ABS ब्रेक्स विद EBD, साथ में ब्रेक असिस्ट आपको मिल जाएगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स मिल रही हैं। इनके अलावा आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन मिल जाएगा, रिवर्स ड्राइव असिस्ट आपको मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आपको एक इंडिकेशन आएगी जो ORVMs के अंदर आपको शो करेगा जब साइड से कोई क्रॉस कर रहा है, लेन असिस्ट, ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है, साथ में सेंसर्स मिल जाएंगे, हेडलैम्प्स जो है ऑटो और साथ में रेन सेंसिंग वाइपर्स। तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स आपको इस ZS EV के अंदर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं पावर ट्रेन के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको बैटरी अब मिलती है, उस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज कर दी है। पहले आपको 44.5 किलोवाट आर की बैटरी मिलती थी, लेकिन अब जो मिल रही है 50.3 किलोवाट आर की आपको यहाँ पे बैटरी मिल रही है। और जो मोटर आपको यहाँ पे मिलती है, एक PMS मोटर मिल रही है जो पावर जनरेट करती है 176 PS की और टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है 280 न्यूटन मीटर्स। ये जो टॉर्क फिगर है ये पहले के कंपैरेटिवली इनको कम किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इस गाड़ी की जो पिकअप पावर है वो काफ़ी अच्छी है। हमारा एक ड्राइव रिव्यू है हमारे चैनल पे, अगर वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। और जो अब इस कार की रेंज की मैं बात करूं, क्योंकि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक कार यूज़ करते हैं तो सबसे मेन है कि वो कार रेंज आपको कितनी दे रही है। जो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है 461 किलोमीटर्स की क्लेम कर रही है, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस मोड के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग आप ड्राइव करेंगे, तो आपको रेंज जो है वो उसी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। अब वारंटी की बात कर लेते हैं। तो जो व्हीकल की जो वारंटी है वो 5 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको मिल रही है, लेकिन जो बैटरी है, बैटरी की आपको वारंटी मिलेगी 8 ईयर्स और 1.5 लाख किलोमीटर्स। तो ये हो गया पावर ट्रेन के बारे में। अब बात करते हैं कार के प्राइस के बारे में। तो इसके अंदर अभी आपको ये सिंगल वेरिएंट मिल रहा है, तो इस कार का जो एक्सशोरूम प्राइस है 25,88,000, ये एक्सशोरूम प्राइजेस हैं। रेस्ट आप ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ईवी इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर हर स्टेट की अलग अलग सब्सिडीज़ हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस MG ZS EV के बारे में। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।